about how you were with my parents. Yeah, I changed their mind, cause you were sweet and looking like you cared, boy. That was hard to find. I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, how could these feelings? I caught feelings, I caught feelings, how could these feelings? Hey everyone, welcome or welcome back to my channel Nick Styles and मैं हूँ निकिता. So आज का जो वीडियो है वो है मिंत्रा हॉल, क्योंकि रिसेंटली मिंत्रा पे बहुत बड़ी सेल चल रही थी और उसी सेल से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी जो मुझे बहुत ही फेवरेट, जो मेरी बहुत ही फेवरेट थी और बहुत दिनों से वो मेरे विश लिस्ट में भी थी, तो मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स मिले और मैंने उन्हें परचेस कर लिया है और आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो. तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये गोल्डन चप्पल्स, क्योंकि मेरे पास इस टाइप के चप्पल्स नहीं थे और मुझे इस टाइप के चप्पल्स चाहिए ही चाहिए थे मेरे कलेक्शन में. सो बहुत ही कंफर्टेबल ये चप्पल्स है और इनका जो डिटेलिंग है ऑल ओवर कॉपरिश गोल्डन कलर जिसे बोलते हैं, ये प्योर गोल्डन नहीं है, कॉपरिश गोल्डन कलर है. तो बहुत अच्छी क्वालिटी की ये चप्पल है. ये मैंने किस प्राइस में परचेस किया है उसके भी डिटेल्स में दे दूंगी, साइड में मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है इसका प्राइस और डिटेल्स सब. तो इस टाइप का ये पेयर है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ब्यूटीफुल पेयर है और इसे आप हर एक आउटफिट के साथ पेयर कर सकते हो, कुर्तीज़ के साथ पेयर कर सकते हो, ट्यूनिक्स के साथ पेयर कर सकते हो. बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कंफर्टेबल है. जिन लेडीज़ को कंफर्टेबल फ्लैट्स पसंद है वो तो डेफिनेटली इस पेयर के साथ जा सकती है. तो इसका सोल आप देख सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी का सोल है और ये यहाँ पे भी बहुत ही सॉफ्ट है. आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे जब भी आप इस चप्पल को वेयर करोगे. तो डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को परचेस करें. अगेन वो फुटवेयर है, तो फुटवेयर में आप लोगों को पता ही है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लोफर्स. तो लोफर्स मेरे पास ऑलरेडी दो है, तो ये मैंने लिया है थर्ड पेयर. ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लोफर्स है और ये है ब्रांड मास्ट एंड हार्बर के. तो मास्ट एंड हार्बर के ऑलरेडी मेरे पास एक थे ब्लू कलर में और मुझे वो सेम नहीं मिले, सो इस टाइम मैंने ब्राउन कलर ट्राई किया है. बहुत ही अच्छे हैं, बहुत दिनों तक ये जाते हैं आपको, आपको ये एक से डेढ़ साल इजीली जाएंगे. और इनका जो ये शेप है ना, तो ये इस शेप की वजह से ये कभी भी ओल्ड नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबल है. आपका फुट जितना भी लंबा हो आपको बहुत ही अच्छा कंफर्ट मिलने वाला है. और मुझे ये शेप इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और बहुत दिनों तक भी जाते हैं. एज इट इज़ रहेंगे, आप दो साल तीन साल भी इसे यूज़ करोगे तो एज इट इज़ रहने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ऐसा एक पेयर यूज़ कर लिया है. इसलिए मैं आप भरोसे के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि ये पेयर अगर आप परचेस करते हो तो आपको ये दो से तीन साल आराम से जाने वाले हैं. अगर आप पसंद करते हो इतने टाइम तक कुछ पेयर वेयर करना, तो इस टाइप का ये पेयर है, बहुत ही अच्छा है. यहाँ पे एक नॉट का जो डिज़ाइन बनाया है ये भी बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हो. और इस पर बहुत ही छोटा छोटा कुछ डिटेलिंग किया हुआ है, मटेरियल में ही वो वर्क है. तो इस टाइप की ये डिज़ाइन है इस पर और फ्रंट का इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये जीन्स पे बहुत ही अच्छी लगती है, कुर्तीज़ पे भी अच्छी लगती है. जिन कुर्तीज़ को आप जीन्स के साथ पेयर करते हो उन पे ये बहुत ही अच्छे से जाएंगे, तो ये भी पेयर बहुत ही अच्छा है. ब्रांड इसका मास्ट एंड हार्बर है. तो इसका सोल आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल है और अच्छी क्वालिटी में ये प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप इस पेयर के साथ भी जा. उसके बाद मैंने ली है दो पैंट्स, क्योंकि कैजुअल आउटिंग्स के लिए आपके पास इस टाइप की पैंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है. तो ये मैं वेयर करके भी आपको बताऊंगी. बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये पैंट्स मुझे मिली है. एक किस ब्रांड से है वो भी मैं साइड में स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी. तो इस पैंट को फ्रंट में मिलता है इस टाइप का बेल का डिज़ाइन और इस टाइप का ये सर्कल मिलता है आपको. आप इसके साथ टी शर्ट को इन करके पेयर करो, बहुत ही अच्छा लुक आएगा, बहुत ही अच्छा कैजुअल लुक आपको मिलेगा और आउटिंग के लिए तो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है. तो मैं आपको शूज़ और पूरा जो मैंने वेयर किया है किस टाइप से वेयर करना है वो साइड में वीडियो में बता दूंगी, आप देख सकते हो. तो बहुत ही अच्छी पैंट है, ये स्ट्रेट पैंट है
और अच्छे से कंफर्टेबल भी है आपको वेयर करने में। और अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इस टाइप की पैंट्स आपको बहुत ही अच्छी और कंफर्टेबल रहती है। जीन्स आपको थोड़ा टाइटनेस फील कराएगी, लेकिन इस टाइप की पैंट्स बहुत ही कंफर्टेबल होती है। इन्हें कैसे पेयर करना है, किस टाइप की टी शर्ट्स के साथ पेयर करना है, वो साइड में आप वीडियो में देख सकते हो। मैंने मिंत्रा से लिया है ये पैंट, ये बेल बॉटम पैंट है और ये है ब्रांड ड्रेसबेरी की तरफ से। तो इसका ब्रांड मुझे पता नहीं, लेकिन ये ड्रेसबेरी की तरफ से है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये पैंट मुझे रिसीव हुई है। आप देख सकते हो कलर भी इसका बहुत ही अच्छा और यूनिक कलर है, पीच कलर की ये पैंट है। और ये थोड़ी बेल बॉटम टाइप का इसका जो पैटर्न है, इसका जो पैटर्न है वो है बेल बॉटम टाइप में। तो इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा इस पैंट में भी। तो इसे भी बेल दिया हुआ है, आप देख सकते हो, और इसे इस टाइप का एक स्क्वायर शेप में बो दिया गया है। तो बहुत ही अच्छे से दिखेगा ये भी वेयर करने के बाद, साइड में आप वीडियो में देख सकते हो। कलर इसका अमेजिंग है, मटेरियल क्वालिटी भी इसकी बहुत ही अच्छी है। दोनों पैंट्स बहुत ही कंफर्टेबल है आपको आउटिंग के लिए। और आजकल इस टाइप के पैंट्स का बहुत ट्रेंड है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी ले लूँ। तो ऑलरेडी मेरे पास एक पैंट है जो मैंने चीन से परचेज की है, वो भी बहुत कंफर्टेबल है। तो ये दो कलर्स मैंने लिए हैं। उसके बाद मेरे पास है ये कुर्ता सेट। ये कुर्ता सेट मिंत्रा पे मैंने देखा था कुछ दिनों पहले, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन मुझे सेल में मिल गया है 1399 रुपीज़ में। तो बहुत ही अच्छा ये ब्लॉक प्रिंट का कुर्ता सेट है, और ब्लॉक प्रिंट मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैं इसे रिटर्न करवाने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ब्लॉक प्रिंट के बहुत सारे कुर्तीज़ हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन देने के लिए दिखाया है। तो इस टाइप का ये कुर्ता है, ब्लॉक प्रिंटेड कुर्ता है। आप इसे ऑफिस में, स्कूल्स में वेयर करके जा सकते हो। अगर आप लेक्चरर हो या आप टीचर हो, तो आप भी इस टाइप की कुर्तीज़ आप स्कूल्स में वेयर करके जा सकते हो। बहुत अच्छी ब्लॉक प्रिंट इस पे दी गई है और बहुत ही कंफर्टेबल कुर्ती है। वेयर करने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ हैवी वेयर किया है। अगर आप इसे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ वेयर करते हो तो बहुत ही अच्छा लुक आएगा। तो फ्लेयर भी इसका बहुत ही अच्छा खासा फ्लेयर प्रोवाइड किया है। बैक नेक, फ्रंट नेक जो है वो राउंड में है और बैक नेक इस टाइप में है, आप देख सकते हो। नॉड आपको दी गई है, बहुत ही कंफर्टेबल है और साइज़ का भी कोई इशू नहीं है। आप जो साइज़ ऑर्डर करोगे वो अच्छे से आपको आएगा। इसका दुपट्टा भी बहुत ही सॉफ्ट है, आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी। ये प्रेग्नेंट लेडीज भी वेयर कर सकती है, इस टाइप की कुर्तीज़ बहुत ही कम्फर्टेबल होती है। और इसका दुपट्टा भी बहुत ही अच्छा है, वाइट कलर में है, तो मुझे अगेन बहुत ही अच्छा लगा। कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा है, बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएंगे। डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज होगा। पैंट इसका जो है वो इस टाइप का है, सलवार काइंड ऑफ है, स्ट्रेट पैंट नहीं बोल सकते आप इसे। अगर आपको स्ट्रेट पैंट करना है तो आप यहाँ से स्टिच कर सकते हो, ऑल्टर करवा के इसे स्ट्रेट पैंट भी बना सकते हो। तो पैंट भी इसकी सेम ही है जैसे इसका टॉप है। तो इसका प्राइस एंड ऑल सब मैं साइड में लगा दूंगी। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये भी आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल लगता है। कॉटन ड्रेसेस ऑल सीजन में कंफर्टेबल होते हैं और इसे पैंट में इलास्टिक दिया गया है, तो ये अगेन एक अच्छी बात है। तो ये कुर्ता सेट मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आया है और बहुत कंफर्टेबल है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आज के हॉल में जो भी चीज़ें मैंने दिखाई है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, चाहे वो फुटवेयर हो, चाहे वो कैजुअल पैंट्स हो, चाहे वो कुर्ता सेट हो, सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये मिंत्रा हॉल पसंद आया होगा तो मुझे कमेंट में बताइए आगे आप किस ऐप पे वीडियो देखना चाहते हो, किस शॉपिंग ऐप पे मैं हॉल वीडियो लेकर आऊँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है जिसका नाम है निक स्टाइल ब्लॉग्स, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वो भी शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।